विपक्षी दलों की बैठक से पहले बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर, बताया अस्थिर पीएम उम्मीदवार। पैदल ही सचिवालय को निकले सीएम सुक्खू, रास्ते में स्कूल जाती बच्चियों से की बातचीत। बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार की खोली पोल, इंस्पेक्टर के रिश्वत लेने की डीजीपी से की शिकायत। सीमा हैदर पर गहराया पाकिस्तानी जासूस होने का शक, यूपी एटीएस को मिले अहम सुराग, घंटों हुई पूछताछ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, पीएम मोदी के विजन और सीएम योगी के मिशन के अनुरूप हो रहा यूपी का विकास। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश, क्या रेप पीड़ित नाबालिग लड़की मुआवजा की हकदार है, अवगत कराए डीएम। 15 से 24 जनवरी के बीच होगी राम मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, महासचिव चंपत राय। 4 दिन बाद यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान के पार। राजस्थान की नई पार्टी, एक मैसेज पर हजारों की भीड़ जमा, चुनाव जीतने के बाद तय होंगे विधायक उम्मीदवार। राहत शिविर पहुंचे सफदरगंज और आरएमएल के डॉक्टर्स, बाढ़ पीड़ितों को दी स्किन की बीमारियों से बचने की सलाह। पीसीएस ज्योति मौर्य की अर्जी पर आज कोर्ट में सुनवाई, आलोक मौर्य दाखिल करेंगे जवाब। गौतम बुद्ध नगर में बड़ा यमुना और हिंडन नदी का जलस्तर, डीएम ने अपील की नहाने, तैरने या सेल्फी की कोशिश न करें। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया कई सरकारी अस्पतालों का दौरा, अधिकारियों को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के गुना में पॉलीथीन बैग में मिला एक व्यक्ति का 6 टुकड़ों में कटा हुआ शव, एक हफ्ते पहले हुआ था लापता। यूपी के 10 जिलों में बाढ़ से हाहाकार, 396 गांव हुए पानी पानी, 38,378 लोग प्रभावित, 7 की मौत। फिलाडेल्फिया के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी, रूसी सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट की मौत। चीन के विदेश मंत्री किन गैंग 3 सप्ताह से लापता। पोलैंड में हल्के विमान के हैंगर में दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 की मौत। यूक्रेन को रूस के बिना भी अनाज समझौता जारी रखने की उम्मीद, जेलेंस्की।